हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं फुल आसो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत लोग को उम्मीद थी कि 15 अप्रैल से ट्रेनें स्टार्ट कर दी जाएंगी। बहुत लोग को ये उम्मीद थी कि वो अपने घर जा पाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 अप्रैल से सभी ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार की कि 15 अप्रैल से ट्रेनें चालू कर दी जाएँ, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसमें संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्यों नहीं चलेगी 15 अप्रैल से ट्रेन। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्यों नहीं चलने वाली है ट्रेन। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हेल्पफुल वीडियो आ जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं 15 अप्रैल से ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी, इसका कंफ्यूजन दूर हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं पत्रिका.com की तरफ से न्यूज निकल कर आ रही है। रेल मंत्री ने कहा है 15 अप्रैल से नहीं चलेगी ट्रेन। रेलवे ने 15 अप्रैल से भले IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत कर दी, लेकिन हकीकत यह कि फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता में कोई यात्री ट्रेन चलाना शामिल नहीं है। रेलवे के मंडल के आला अधिकारी के अनुसार रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई VC में यह साफ किया गया है कि पहले मालगाड़ी से लदान होना व यात्री ट्रेन के डब्बों को आइसोलेटेड करना प्राथमिकता होगी। यहां पर प्राथमिकता यह नहीं होगी कि पहले यात्री ट्रेन चलाई जाए। यहां पर लेटेस्ट अपडेट और आपको बता देता हूं, यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि रेलवे 15 अप्रैल से IRCTC के माध्यम से भले ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग की स्टार्टिंग कर चुका हो, लेकिन हकीकत ये कि फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता में कोई भी यात्री ट्रेन चलाना शामिल नहीं है। रेलवे के मंडल के आला अधिकारी के अनुसार रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई VC में साफ किया गया है कि पहले मालगाड़ी की लदान होना व यात्री ट्रेनों के डब्बे को आइसोलेटेड करना ये प्राथमिकता रहेगी। अब वो सभी यात्री जिनके अप्रैल माह के पूर्व के टिकट है या आरक्षण है, तो उनके लिए ये अपडेट है कि हो सकता है उनके टिकट फिर से कैंसिल हो जाए और उनका रिफंड जो है अगर IRCTC से किया है तो वो ऑटोमेटिक आपके खाते में आ जाएगा। अगर आपने रेलवे स्टेशन से कराया तो 90 दिन के अंदर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर अपना फंड पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट पत्रिका.com का निकल कर आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर पूरी न्यूज अपडेट पढ़ सकते हैं। वहां पर रेल मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि 15 अप्रैल से ट्रेनों का चलाया जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाएगी और संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा। अगर ट्रेन चलाने का अपडेट आ गया तो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।